बच्चा अगर मौसम बदलने के कारण बार बार बीमार हो जाता है या फिर इन्फेक्शन से परेशान रहता है तो उसे साल में 2 बार यह खुराक जरूर पिलवा दें, जिससे ना सिर्फ बच्चे का बीमारियों से बचाव होगा बल्कि उसकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह दवा बच्चों को फ्री में पिलाई जा रही है। इसके लिए विभाग की टीमें घर घर जा रही है। हापुड़ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील त्यागी ने बताया कि 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाने, डायरिया और आंखों के रोग, अंधता, रतौंधी आदि रोगों से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक पिलानी जरूरी होती है। विटामिन ए की पहली खुराक बच्चे को 9 माह की उम्र पर मीजल्स रूबेला के टीके के साथ दी जाती है, जबकि दूसरी खुराक 16वें महीने पर दी जाती है। इसके बाद 5 साल तक हर वर्ष 2 बार 6-6 माह के अंतराल पर दी जाती है। सीएमओ ने बताया कि शासन के निर्देश पर 27 दिसंबर से 27 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 1,44,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जानी है। 27 दिसंबर 2023 से हमारा विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो 1 माह चलेगा, यानी कि 27 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसमें हमारा लक्ष्य जो है वो 1,44,000 बच्चों को विटामिन ए पिलाने का है। लगभग 56,000 बच्चों को हम विटामिन ए आज तक पिला चुके हैं। तो इसके फायदे ये हैं कि इससे एक तो बच्चे में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ ही बच्चों को जो रोग हो जाते हैं, डायरिया या और कोई रोग, या ये निमोनिया वगैरह हो जाते हैं, उनसे भी इससे निजात मिल जाती है। और साथ ही जो ये रतौंधी नामक रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो भी विटामिन ए से नहीं होता है। कितने साल के बच्चों तक ये पिलाई जाती है? ये विटामिन ए 9 से 12 महीने में पहली खुराक दी जाती है। इसके बाद 5 साल तक हर 6ठे महीने लगातार इसे इन अभियान के अंतर्गत पिलाते हैं।